आई लेसेस अप्लाई करने के लिए, जब भी हम लोग आई लेसेस निकालते हैं इसका जो कॉर्नर होता है उसको पहले कट करना होता है। ओके, बिल्कुल बराबर में आ जाए, फिर ये बाद में निकलता नहीं है। अगर इसको कट नहीं करेंगे तो बाद में ये बार बार रिमूव होने लगता है। इसको कट कर दिया, अच्छे से इसको इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आप इसमें नोटिस करोगे, एक साइड में आपका छोटा दिखेगा आई लेसेस का और एक साइड में बड़ा। जो बड़ा है वो आपको रखना है आउटर कॉर्नर पे और जो छोटा है वो इनर कॉर्नर पे रखना है। और जब भी हम लोग आई लेसेस अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल इनर कॉर्नर से आपको अप्लाई नहीं करना है। आई लेसेस निकलने का मेन रीज़न यही होता है कि हम लोग बिल्कुल इनर कॉर्नर से अप्लाई कर देते हैं। हमारी जो ओरिजिनल आई लेसेस है वो भी हमारा एक इंच यहाँ पे छोड़ के उसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो जहाँ से आपका ओरिजिनल आई लेसेस स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपको आर्टिफिशियल आई लेसेस को भी अप्लाई करना होता है। इसके बाद हमको इसमें आई लेसेस ग्लू लगाना होता है। ये मैंने आई लेसेस ग्लू को यहाँ पे निकाल लिया है। अब आपको आई लेसेस में ग्लू को अच्छे से लगा देना है। थर्टी सेकेंड तक इसको ऐसे ही रखेंगे, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है। और जो हमारा आउटर कॉर्नर होता है वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लू लेना है। ओके, 30 सेकेंड होने के बाद से इसको एक बार आप इस तरीके से घुमा लीजिए एंड यहाँ से पकड़ के ऊपर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे आँख बंद करिए, यहाँ से अप्लाई करना होता है और ओरिजिनल आई लेसेस में चिपकाते हुए आपको बस रख देना होता है। और इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। अगर इसको ऊपर की तरफ नहीं करोगे तो कस्टमर को बहुत भारी भारी फील होगा और कंफर्टेबल नहीं रहेंगे वो। तो जब भी आई लेसेस लगाओ तो इस तरीके से ऊपर की तरफ उसको जरूर कर दीजिए। और इनको 5 मिनट के लिए आईज बंद रखने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद ही अपना आईज धीरे धीरे ओपन करेंगे।
डाला हुआ था।